नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। ब्रह्मच्युत शंकरा प्रभृति भी देवै सदा वंदिता, सामा पातु सरस्वती भगवती বিশ্বাস করো না, তুমি আছো তাদের মার্জনা করো প্রভু। মঙ্গল দীপ জ্বলে অন্ধকারে, দু চোখ আলোয় ভরো প্রভু, তবু যারা বিশ্বাস করে না তুমি আছো তাদের মার্জনা করো প্রভু। যে তুমি আলো দিতে প্রতিদিন সূর্য ওঠাও, ওদের বুঝিয়ে দাও সে তুমি, পাথরেও ফুল যে ফোটাও, জীবন মরুতে করুণা ধারায় ধরো প্রভু। মঙ্গল দীপ জ্বেলে অন্ধকারে, দু চোখ আলোয় ধরো প্রভু, তবু যারা বিশ্বাস করে না তুমি আছো তাদের মার্জনা করো প্রভু। नमस्कार, मैं रीमा मिश्रा CFM द्वारा आयोजित इस कवित्री सम्मेलन में चंदन सा आदर, कुमकुम सी आस्था, पुष्पों सा प्रेम लेकर सर्वप्रथम मैं माँ शारदा के श्री चरणों में अपना शीश झुकाती हूँ एवं आप सभी कवित्रियों का आज के इस सम्मेलन में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। अब मैं धन्यवाद करना चाहूंगी CFM के संपादक, इस कवित्री सम्मेलन के अतिथि एवं CFM लेखक संघ के संस्थापक आदरणीय श्री जहांगीर आलम सर का, कि आपने मुझे इन शब्दों के लायक समझा एवं आज की इस कार्यक्रम के संचालन क्रिया में शामिल किया। हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपका। आप जैसे आयोजनकर्ताओं के कारण ही युवा पीढ़ी एक मिसाल को कायम करती है एवं अपने अरमानों को एक ऊंची उड़ान देती है। जहांगीर सर, आपके लिए चंद पंक्तियां कहना चाहूंगी। हर जगह इत्र ही नहीं महका करते जनाब, हर जगह इत्र ही नहीं महका करते जनाब, कभी कभी शख्सियत भी खुशबू बिखेर जाती है। आप सभी कवित्रियों से अनुरोध है कि तालियों की गड़गड़ाहट के साथ जहांगीर सर का इस मंच पर स्वागत करें। आप सभी कवित्रियों को एक एक करके मंच पर बुलाने से पहले मैं हमारे CFM के इस भव्य मंच के लिए
दो पंक्तियां कहना चाहूंगी। तेरे दर पर आने से पहले मैं कमजोर होती हूँ, तेरे दर पे आने से पहले मैं कमजोर होती हूँ, पर तेरी दहलीज पर आकर मैं कुछ और होती हूँ। ए सिर्फ हम तेरा शुक्रिया। मैं जहांगीर सर से आग्रह करती हूँ कि वह मंच पर आए और हमारी सभी कवित्रियों के लिए, इस कार्यक्रम के लिए अपने दो शब्द कहें। जहांगीर सर कृपया मंच पर आइए। नमस्कार, मैं जहांगीर आलम स्वागत करता हूं आप लोगों के इस कार्यक्रम में। उपस्थित सभी कवित्रियों को मेरा तहे दिल से धन्यवाद जो आप लोगों ने इतने उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और हमारा उत्साहवर्धन किया। दरअसल लॉकडाउन चल रहा है और इसे देखते हुए कोल फिल्म मिरर ने ऑनलाइन कवित्री सम्मेलन का आयोजन किया है, जिसमें आज शहर की काफ़ी अच्छी लेखिका कवित्री हिस्सा ले रही हैं, तो इससे हमारा भी उत्साह बढ़ता है। तो आप लोगों का अधिक समय ना लेते हुए मैं रीमा जी से आग्रह करूंगा कि वो कार्यक्रम को सुचारू रखते हुए आगे बढ़ाए। एक बार फिर से आप सभी को धन्यवाद। अब शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। तो सर्वप्रथम मैं ट्विंकल वर्मा को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और अपने सुंदर शब्दों में काव्य पाठ करें। ट्विंकल वर्मा कृपया अपने शब्दों को हमारे समक्ष रखिए। नमस्कार, कोलफील्ड मिरर द्वारा आयोजित ऑनलाइन कवित्री सम्मेलन में उपस्थित आप सभी का स्वागत है। मैं ट्विंकल वर्मा आप सभी के समक्ष अपनी स्वरचित कविता पाठ करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है समाज को यूं बदला जाए। समाज को ऐसा बनाया जाए बराबर न्याय दिलवाया जाए, समाज को ऐसा बनाया जाए बराबर न्याय दिलवाया जाए, भेदभाव के रस्मों को आग में झोंका जाए, नेताओं को अपने कर्तव्यों से रूबरू करवाया जाए, नेताओं को अपने कर्तव्यों से रूबरू करवाया जाए, सरकारी कर्मचारियों को बैठे बैठे सीट गर्म करने का वेतन ना दिया जाए, समाज के लोगों को सच्चाई का पाठ पढ़ाया जाए, समाज के लोगों को सच्चाई का पाठ पढ़ाया जाए, समाज के अपराधियों को बाहर निकाल फेंका जाए, धर्म के ठेकेदारों को शांति से पूजा पाठ करने के लिए कहा जाए, धर्म के ठेकेदारों को शांति से पूजा पाठ करने के लिए कहा जाए, धर्म को आपसी लड़ाई में लाने वालों को देश से बहिष्कृत कर दिया जाए, बुराइयों का खात्मा सच्चाई का साथ दिया जाए, बुराइयों का खात्मा सच्चाई का साथ दिया जाए, आपस में प्यार का गुणगान किया जाए, छोटे बड़े का सम्मान किया जाए, परिवार के लोगों के समान औरों को अपना समझा जाए, परिवार के लोगों के समान औरों को अपना समझा जाए, मैं पूछती हूँ बुरा ही क्या है, मैं पूछती हूँ बुरा ही क्या है, परायों को अगर अपना कहा जाए, आधुनिक समाज में वर्णाश्रम का ठीका ना लिया जाए, आधुनिक समाज में वर्णाश्रम का ठीका ना लिया जाए, रामराज की कल्पना सुविचार रूप से किया जाए, रामराज की कल्पना सुविचार रूप से किया जाए, धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम पार्वती पंडित है और आज आप सबके समक्ष मैं अपनी स्वरचित कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है स्त्री की आज़ादी। स्वतंत्रता तो मिली हमें, पर कहाँ पूर्ण रूप में मिली, ना अब तक आज़ादी मिली अपने मन के भय से, अंधियारे गलियारों से सुनसान राहों से जब भी चलती हूँ अकेले, पाकर राहत किसी की एक पल सहम सी जाती हूँ, ये सोचकर कहीं कोई पीछा तो ना कर रहा, कहीं कोई आ तो ना रहा, बार बार चलती राहों में मुड़ मुड़ देखती हूँ पीछे। स्वतंत्रता तो मिली हमें, पर कहाँ पूर्ण रूप से मिली, देश प्रगति कर रहा है, विकास कर रहा है, आधुनिक बन रहा है,
विचारों से नहीं दिखावे के लिए सोच तो अब भी पिछड़ी है स्त्रियों के प्रति। डर लगता है अक्सर अकेले सफ़र करते हुए, मन में रह रह ख्याल आते हैं, कहीं कोई गंदे नज़रों से देख तो ना रहा, कहीं कोई गंदे इरादों से छू तो ना रहा। स्वतंत्रता तो मिली हमें पर कहाँ पूर्ण रूप से मिली। पूछती हूँ उनसे सारी सीमाएं हमारे लिए, सारे बंधन हमारे लिए, सारे संस्कार हमारे लिए, घर की चार दीवारी हमारे लिए, उनके लिए कुछ नहीं जो नित्य करते हैं दुष्कर्म, हमें अपमानित करते हैं, हमें प्रताड़ित करते हैं और यही कहते हैं शर्म करो शर्म करो शर्म करो। स्वतंत्रता तो मिली हमें पर कहाँ पूर्ण रूप से मिली। जन्म लेते ही सिखाया जाता है, लड़की होने का एहसास दिलाया जाता है, ऐसे मत बैठो, वो मत करो, ये मत करो। पूछती हूँ उनसे जिसने बनाए नियम हमारे लिए, फिर भी हम ही शिकार हों उनके हैवानियत के। स्वतंत्रता तो मिली हमें पर कहाँ पूर्ण रूप से मिली। ललकारती हूँ मैं आज उन्हें, उन समाज के लोगों को, क्या सभी नियम हमें ही सिखाने के लिए बनाए गए हैं? दो ज्ञान उन्हें भी दे दो, बताओ उनका अस्तित्व किससे है, उनकी जननी कौन है? जिस स्त्री रूपी माँ को, जिस स्त्री रूपी माँ ने असहनीय पीड़ा सह तुम्हें लाया धरती पर, और तुम करते नित्य उसी स्त्री को अपने मनोरंजन के लिए बारंबार नग्न। धन्यवाद। नमस्कार, मैं शारदा दास CFM न्यूज़ चैनल के तरफ से, मैं जहांगीर सर और खुर्शीद सर को धन्यवाद करती हूं जिन्होंने मुझे इस कवित्री सम्मेलन में अपना हिस्सा बनाया और मुझे ये मौका दिया कि मैं भी कुछ कर सकूं। धन्यवाद जहांगीर सर और खुर्शीद सर। मैं आज अपनी स्वरचित कविता पेश करना चाहती हूँ जो कि निर्भय के ऊपर आधारित है। लगने वाली थी मेहंदी उसे, बजने वाली थी सहनाई, माँ की लाडली पापा की परी थी, भाई की शान अपनी प्रेमी की जान थी, किसे पता था वो खुशियों की रात उसकी आखिरी रात थी। उस मासूम की चीख खामोश हो गई, उन भेड़ियों के आगे लाचार और बेबस हो गई। जब तक निर्भया तेरे कातिल जिंदा थे तब तक हम भी शर्मिंदा थे, देर से ही सही पर तुझे इंसाफ मिला तो। कहने को तो वो पापा की परी थी पर वो क्या जानती कि वो कितनी भेड़ियों के बीच खड़ी थी। नोच लिया उसके शरीर को जानवर की तरह और हैवानियत और दरिंदगी के निशान बनाकर अपनी पहचान दे दी। अपनी हवस और भूख मिटाने के लिए निर्भया के साथ खिलवाड़ कर गया बन वो दुष्कर्मी, शरीर ही नहीं रूह भी ताड़ ताड़ कर गया। मैं अपनी दूसरी कविता पेश करना चाहती हूँ पापा की परी। वैसे तो मैं पापा की परी हूँ पर ना जाने मैं कितनी भेड़ियों के बीच खड़ी हूँ। यूँ तो नोचने के लिए तैयार है हमेशा हमारे जिस्म को पर वो ये क्यों भूल जाते हैं उन्होंने भी पाला है हमारे जैसी किसी नाजुक कली को। जिद्दी होती है नादान होती है, जैसी भी होती है पापा की शान होती है। सुख में दुख में पापा की परियों को मुस्कुराते देखा है, हर घर की जिम्मेदारी निभाते हुए मैंने बेटी को बेटा बनते देखा है। कौन कहता है कि बेटी बोझ होती है, मेरी बेटी को पापा की गुरूर और शान बनाया है। नमस्ते। नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी गुप्ता आप सभी के सामने अपनी स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है अमीरों की चोचा। अमीरों में बस दिखावा और बस दिखावा करते आए हैं वे, गरीबों की मदद के लिए आगे तो आ रहे हैं पर बस दिखावे के लिए। अगर सच में उनका हृदय इतना पावन होता और वह सच में गरीब मजदूरों के लिए कुछ करना चाहते तो वे उनकी तस्वीरें नहीं लेते और ना ही सोशल मीडिया में डालते। वे साबित क्या करना चाहते हैं? अमीर लोगों ने अपने दिखावे के लिए गरीब मजदूरों का सिर्फ और सिर्फ मजाक बना रखा है। उन्होंने एक मुट्ठी चावल तो दिए पर साथ ही 10 तस्वीरें भी लिए ताकि वह लोगों को बता सके कि वे कितने अमीर हैं और दिखावटी हैं तथा उन गरीब मजदूरों की पीड़ा का मजा ले रहे हैं। शुरू से ही गरीब मजदूरों को धर्म के नाम पर, ईमान के नाम पर डराया जा रहा है और अब तो लोगों को मौका मिल गया है कि वह खुलकर गरीबों की पीड़ा को बढ़ाएं। इसलिए तो वे गरीबों की सहायता के लिए सिर्फ और सिर्फ दिखावे के तौर पर ही कर रहे हैं। उनका मकसद ये नहीं कि वो मदद कर सके, उनका मकसद है कि वह अपना एक वर्चस्व बना सके और गरीबों की निंदा कर सकें। अगर ऐसा ना होता तो एक मुट्ठी चावल देने के बदले 10-10 तस्वीरें नहीं लिए जाते और ना ही उन तस्वीरें को सोशल मीडिया में डाले जाते। लोगों की मदद तो शुद्ध हृदय से किया जाता है ना कि दिखावा मात्र से।
इसलिए अगर किसी की मदद करनी है तो सच्चे हृदय से करें, ना कि दिखाव मात्र से। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका कुमारी है और मैं अपनी स्वरचित कविता आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है बोलो ना क्यों। कविता की पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार से है। क्यों शोर है इतना जीवन में, क्यों हलचल है मेरे मन में, क्यों बेचैनी सी है हृदय में, कितने प्रश्न है मेरे जहन में, कितनी ख्वाबें हैं मेरी आंखों में, कितने अरमानों का गला घोटा मैंने, लड़की हो लड़की की तरह रहो कहा लोगों ने, क्यों अरमाने ये बह जाती है, और बोलो ना क्यों लड़की लड़की बनकर रह जाती है, कितने संकटों से लड़ा मैंने, कितनी परंपराओं को झेला मैंने, क्यों दुविधाएं ये बढ़ जाती है, और सिर्फ मेरी गलतियां ही लोगों को दिख जाती है, और बोलो ना क्यों लड़की केवल एक श्राप बनकर रह जाती है, क्यों हार जाती है मेरी सारी कोशिशें इस समाज के सामने, क्यों हर बात पर लोग लगते हैं मुझे जांचने, तभी बेचैनी ये बढ़ जाती है, और सच कहूं इसलिए लड़की लड़की बनकर रह जाती है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम तनु मल्लिक है और मैं पूर्व बर्धमान से हूँ। आज के हो रहे कवित्री सम्मेलन में मैं अपनी पहली कविता वक्त का एहसास प्रस्तुत कर रहे हूँ। वक्त का एहसास, जिंदगी के भंवर में वक्त का एहसास मुझे कुछ ऐसा हुआ, ना जाने किस सोच की नींद में थी मैं, और हाथों से वक्त निकलता रहा। उस वक्त में ना जाने कितने सपने थे जो रूठ गए हमसे, ना जाने कितने अपने थे, सोच की नींद को जब तोड़ा मैंने, ना जाने कितने अनमोल वक्त को खोया मैंने। उस वक्त ने ना जाने कितना वक्त दिया होगा, उस वक्त को मैंने कितना रोंदा होगा, अब मैं सोचती हूँ उन सपनों को सजाऊँ कैसे, रूठे हुए को मनाऊँ कैसे। जब हाथों से वक्त निकल गया, तब वक्त का एहसास मुझे कुछ ऐसा हुआ। धन्यवाद। मैं नंदिनी कुमारी साहब। लॉकडाउन के इस मौके पर CFM द्वारा ऑनलाइन कवित्री सम्मेलन का आयोजन किया गया है। हम लोग इनके बेहद शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें इस मौके पर भी काव्य पाठ करने का मौका दिया है। जैसा कि आप जानते हैं, CFM हर उभरते कलाकारों को मौका देता आया है, ठीक उसी प्रकार उन लोगों ने मुझे भी मौका दिया है। मैं जहांगीर भैया को धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे ऑनलाइन कवित्री सम्मेलन पर शामिल होने का मौका दिया और अपनी काव्य पाठ पेश करने का मौका दिया, जिसका शीर्षक है मत करो ससुराल और मायका में भेद। आशा करती हूँ कि आप लोग को पसंद है। बहू की गलती पर सास थप्पड़ तो दूर की बात है, डांट भी लगाए तो हंगामा मचा देती है, और केस मुकदमा कुछ इस तरह की वारदातें सामने आने लगते हैं। अगर एक लड़की को ससुराल में यह सुनना मिलता है कि तू पराए घर से आई है, तो उसको मायका में बचपन से यही सुनने को मिलता है कि तू पराई धन है, तुझे यह घर छोड़कर जाना होगा। किसी ने ठीक ही कहा है कि लड़की का अपना कोई घर नहीं होता, ठीक उसी प्रकार यह एक कड़वा सच है कि लड़की का अपना कोई भी नहीं होता। वह जीवन भर जिस अपनों के लिए जीती आती है, वही अपने उसे पराए कहते हैं। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन हमारे समाज अभी भी वही रीति रिवाज पर जीते हैं। लड़की चाहे कितना भी होनहार क्यों ना हो, लेकिन वह अपने बाप पर बोझ ही कहलाती है। जब तक लड़की का विवाह ना हो, तब तक वह बोझ सर से नहीं उतरता। इस तरह की मानसिकता हमारे समाज में देखी जाती है। फिर भी लोग ससुराल में फर्क बताते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता।
लड़की के साथ मायका में भी वही व्यवहार किया जाता है, लेकिन मायका की कहानी छिप जाती है और ससुराल की कहानी छप जाती है। लोगों का मानना है कि एक लड़की को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता उसके मायके में मिलती है, लेकिन यह कतई सत्य नहीं है। लड़की को जीवन के हर कसौटी का सामना करना पड़ता है और अपनी अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। किसी ने क्या खूब लिखा है कि एक बाप ने अपनी बेटी दे दी कि एक बाप ने अपनी बेटी दे दी और रिश्तेदार ट्रक में झांक रहे थे कि दहेज में क्या आया। कुछ इस तरह से हमारे समाज की लोगों का मानसिकता दर्शाती है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूँ मनीषा प्रसाद। मैं आप सबके समक्ष अपनी स्वरचित कविता अच्छा लगता है प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अच्छा लगता है हाँ साथ तेरा, अच्छा लगता है प्यारा लगता है हाँ साथ तेरा, प्यारा लगता है तेरे लिए ही सजना सवरना, अच्छा लगता है कभी फुर्सत से तू मुझे निहार ले, इसलिए माथे पे बिंदिया और नैनों में कजरा लगाना, अच्छा लगता है मेरे हर दर्द में तेरा मुस्कुरा कर मुझे गले से लगाना, कहीं पढ़ ना लूँ मैं तेरी बेचैनियों को, इसलिए तेरा मुझसे बेवजह नाराज़गी दिखाना, अच्छा लगता है। तुम आकाश हो तो मेरा धरा होना, तुम पेड़ हो तो मेरा छाया होना, जिंदगी के धूप छाँव में तेरा साया होना, अच्छा लगता है। मेरी झील सी आँखों में तेरा यूँ डूब जाना, किसी पतझड़ सा मेरा तुझसे यूँ रूठ जाना, पर मेरी एक मुस्कुराहट के लिए तेरा वो खूब मनाना, अच्छा लगता है। उन ठंडी रातों में भीगी बरसातों में मेरी बिखरी जुल्फों में तेरा उलझ जाना, आंखें मूंद कर तेरी बाहों में लिपट जाना और बादलों के गरजने पर तेरा मुझ में सिमट जाना और वो खुद ब खुद मेघों का यूं बरस जाना, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है हाँ साथ तेरा, अच्छा लगता है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं स्नेहा कुमारी आज आप सभी के सामने अपनी स्वरचित कविता बोलने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है हिंदी की व्यथा। हिंदी की व्यथा दुख भरी इसकी कथा, कहता है संविधान हमारा, हिंदी है राजभाषा, हिंदी है जन जन की भाषा, हिंदी ही हिंदी कहते हैं पर आज ना तो राजभाषा ना जन जन की भाषा। आखिर क्यों संविधान से मान्यता प्राप्त करके भी हिंदी ना राजभाषा ना जन जन की भाषा? क्योंकि अंग्रेजी बोल खुद पर गर्व करते, क्यों भूल गए अंग्रेजों ने ही हमें बनाया था गुलाम। आओ आज हम शपथ ले हिंदी को पहले जैसा सम्मान दिलाए। धन्यवाद। नमस्कार, कॉलफिल मिरर के कवित्री सम्मेलन में आप सभी का स्वागत है। मैं सनोवर सुल्ताना आज इस उपलक्ष्य में आप लोगों के समक्ष स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है तुम हिंदू हम मुसलमान। तुम हिंदू हम मुसलमान, तुम भी इंसान हम भी इंसान, तुम में भी जान हम में भी जान, लाल रंग रक्त का एक समान, तो फिर तुम क्यों हिंदू हम मुसलमान। हम सबको जन्म देने वाला हमें पालने वाला कोई अनजान, जिसे हम कहते हैं अल्लाह तुम कहते हो भगवान। तेरी गीता उपदेश पवित्र है, हमने उपदेश माना कुरान, तुम अपने धर्म को मानते हो, हमने अपने धर्म पर लाया ईमान, इसलिए तुम हिंदू हम मुसलमान। पर धर्म कहाँ कहता है केवल अपनी जाति पहचान, चलोगे अगर सच्चे पथ पर तो ईमानदारी से बनाओगे पहचान, सबको एक नजर से देखोगे तो सबसे पाओगे सम्मान, जब सभी साथ रहेंगे मिलकर तो क्या हिंदू क्या मुसलमान। नमस्कार, मैं संगीता यादव सीएफएम न्यूज की तरफ से स्वरचित चार पंक्तियां, जिसका शीर्षक है सरस्वती वंदना, माँ के चरणों में माँ के आह्वान के लिए आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। माँ शारदी कहाँ तू बीना बजा रही हो, माँ शारदी कहाँ तू बीना बजा रही हो, करके दया तू हर ले बाधा जगत की सारी, करके दया तू हर ले बाधा जगत की सारी, आजा और मंच पे भी आसन यहीं लगा लो, आजा और मंच पे भी आसन यहीं लगा लो। माँ शारदी कहाँ तू बीना बजा रही हो,
सारी धराएं तेरी ही गीत गा रही है, सारी धराएं तेरी ही गीत गा रही है। माँ शारदी कहाँ तू बीना बजा रही हो, देवी सरस्वती माँ बेटी बुला रही है, देवी सरस्वती माँ संगीता बुला रही है। माँ शारदी कहाँ तू बीना बजा रही हो। धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार, कोलफील्ड मिरर द्वारा आयोजित ऑनलाइन कवित्री सम्मेलन में शामिल सभी को मेरा प्रणाम। मैं मनीषा सिंह चौहान, काजी नजरू विश्वविद्यालय की छात्र हूँ। मैं आज आप लोगों के सामने एक स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है समाज में गलत मानसिकता की पहचान। आज मानव समुदाय न होती, आज मानव समुदाय न होती तो समाज न होता, आज मानव समुदाय न होती तो समाज न होता, आज प्रकृति न होती तो हमारा अस्तित्व न होता, आज मानव जाति न होती, आज मानव जाति न होती तो समाज का वजूद न होता, आज समाज न होता तो धर्म न होता, आज समाज न होता तो राजनीति न होती, आज समाज न होता तो राजनीति न होती, गर राजनीति न होती तो देश का बंटवारा न होता, आज समाज न होता तो जात पात न होती, भेदभाव न होता, आज समाज है तो नाम का समाज है, आज समाज है तो नाम का समाज है, आज यदि यही समाज उच नीच न देखता गर, आज यही समाज के लोग गलत मानसिकता वाले ना होते गर, आज यही समाज के लोग गलत मानसिकता वाले ना होते तो आज किसी की बहु बेटियों पर गंदी नजर ना पड़ती, आज यही समाज वाले लोग इतना होने के बावजूद भी, सब देखने के बाद भी चुप है, शांत है, अपने अपने कामकाज में व्यस्त हैं। आज यही समाज वाले लोग यही समझते हैं कि वो दूसरे की घर की बहू बेटी है। क्यों? क्योंकि वो हमारी अपनी नहीं। गर समाज जब एक समान सोचना शुरू कर दे, गर समाज जब एक समान सोचना शुरू कर दे तो ना आज कोई प्रियंका होगी ना ही कोई निर्भया होगी। धन्यवाद। नमस्कार, आज ऑनलाइन कवित्री सम्मेलन में उपस्थित सभी सदस्यों एवं सभी कवित्रियों को मेरा प्रणाम एवं कोलफील्ड मिरर में हमारी लेखनी को स्थान देने वाले शिक्षक को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रूबी आचार्या आज इस सुअवसर पर अपने द्वारा लिखी गई एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसके शीर्षक है अहंकार। अहंकार है वो हथियार जिससे हो ना पाया किसी का उद्धार, अहंकार है वो हथियार जिससे हो ना पाया किसी का उद्धार, रावण विनाश का कारण बना उसका यही अहंकार, रावण विनाश का कारण बना उसका यही अहंकार। मैं श्रेष्ठ हूँ ये सबने है माना, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ ये जिसने है ठाना, उसे काल के गाल में है समाना। मुखौटे उतार अहंकार के फेंक, तुमसे भी आगे कई महारथी थे, इतिहास उठाकर तो देख। मुर्गे का टूटा अभिमान जब उसे हुआ ये ज्ञान, उसके बोले बिना ही आखिर कैसे हुआ बिहान। समय से पहले अपने अहंकार का जिसे हुआ है भान, उसे निरंतर जीवन में मिला है सम्मान। बड़े अच्छे कर्मों से हमने मानव जीवन पाया है, बस प्यार मोहब्बत ही आया है जब जब मैंने खुद को अहंकार से दूर पाया है। इस छोटी सी कविता के माध्यम से मैं बस ये संदेश देना चाहती हूँ कि मैं हूँ ये हमारी ताकत है, लेकिन सिर्फ मैं ही हूँ ये हमारा अहंकार है। अर्थात अपने अहंकार रूपी विष को इतना ना बढ़ने दिया जाए कि वह इस मैं को ही नष्ट कर दे। बस इतना कहकर मैं अपनी इस वीडियो को विराम देती हूँ और आपसे इजाज़त चाहती हूँ। धन्यवाद।
नमस्कार, पढ़ो को मेरा प्रणाम और छोटे को मेरा प्यार। मैं नैन्सी कुमारी प्रसाद आप लोगों के सामने अपनी स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक का नाम है सच्ची मोहब्बत। खोजता है तो सच्ची मोहब्बत हर जगह, लेकिन तुझे क्या पता तेरे घर में ही है वो सच्ची मोहब्बत। बस तू अपने आगे को महसूस कर, तेरे पास ही है वो अनमोल रतन अनमोल खजाना। उसकी अहमियत को पहचान, उसको संभाल, तेरी सच्ची मोहब्बत तेरी माँ। मैं आप लोगों के सामने अपनी और एक स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका नाम है बिरा। तीन वर्णों का समूह है बिरा, अनंत के जैसे तप, समुद्र के जैसे गहराई। कैसे मैं वर्णन करूं अपनी बिरा वेदना, तू ही बता। अपने पतझड़ जीवन को कैसे पसंद तू, अपने पतझड़ जीवन को मैं कैसे पसंद दू, तू ही बता। अपने बिरा के अग्नि को मैं कैसे शीतलता प्रदान करूं, तू ही बता। दोस्तों, जैसे हमारे जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, फूल के साथ कांटों का संबंध बना रहता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में सुख दुख आते ही रहेंगे, जिसका हमारे डट का सामना करना पड़ेगा। जिस प्रकार कोरोना वायरस ने हमारे देश में त्राही त्राही मचा रखी है, इस समय हम लोग को एकजुट एक साथ रह के इसका मुकाबला करना पड़ेगा। रावण मरा था राम के कारावास से, कंस मरा था कृष्ण के कारावास से, कोरोना मरेगा हमारे गृहवास से। घर में रहे, सुरक्षित रहे। जय भारत, जय हिंदुस्तान। नमस्कार, मैं पूजा कुमारी साव पूर्व वर्धमान से आप सबके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है क्या लिखूं। कभी कभी सोचा करती हूँ एकांत में बैठकर क्या लिखा जाए, कविता में किसे पनाह दूं, किस विषय पर लिखकर मन के उथल पुथल को शांत करूं। अशेष विषय है लिखने को, पर मेरी कलम थम जाती है। मुझसे कभी कहती है, ए लड़की तू निर्भया पर लिख, प्रियंका रेड्डी पर लिख, तू एक स्त्री है, स्त्री के मर्म को शब्दों में पिरो दे। फिर अंदर से आवाज़ आती है, समाज में बहुत सी घटनाएँ नकारात्मक चीज़ें घट रही है, किस किस पर लिखूं, कितने विषय, ना जाने कितने विषय। पारिवारिक कलह से नारी शोषण तक, बलात्कार उन नन्ही मासूम बच्ची का जो महज 6 महीने की बड़ी पुतली है। कभी उन 9 महीने की बच्ची तो निर्भया, कभी फिर प्रियंका और ना जाने कितने कितने अमानविक पशुतापूर्ण घटनाएं। कभी शादीशुदा जिंदगी का बर्बाद होना सब पर लिखना चाहती हूँ। गांव को बदलने के सारे वादे नेताओं द्वारा, संसद के माजरे, तालाकशुदा व्यक्ति का मर्म सब पर। महावरी के प्रति आज भी सजग नहीं स्त्रियां, काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष बदला बहुत विषय है, समस्या है उसका समाधान भी, पर कोई सुलझा नहीं रहा। मैं कभी कभी बैठकर अनेक विषय पर दृष्टिपात करती हूँ, बड़ा असहाय पाती हूँ खुद को। मानवीय मूल्यों के ह्रास से, मानव जाति के इतिहास से, मानव के पशुवत व्यवहार से मैं कभी कभी। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम है सोनी कुमारी प्रसाद। मैं आप लोगों के समक्ष स्वरचित कविता पाठ करने जा रही हूँ, आशा है आप लोगों को पसंद आएगी। शीर्षक है बदलते रिश्ते। भूल गई ठहाके लगा बेधड़क मुस्काना, भूल गई देर तक सोना या माँ के आंचल में छुप कर रोना। कुछ अतरंगी आदतें थीं हंसने और हंसाने की, लड़कपन बचपन की, भाई बहन और मित्रों संग बेबात लड़ाई करने की। कहते हैं बेटियां धन पराई है, लक्ष्मी है ये ससुराल की, एक ना एक दिन होनी इनकी विदाई है। पुराने रिश्तों की यादें वे संग, नए रिश्ते बना यही जीवन बिताना है। मायके के संस्कारों के दीपक से ससुराल को उज्जवल कर सारे जिम्मेदारियों को निभाना है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूँ पूजा कुमारी वाल्मीकि, आप सभी के समक्ष अपनी स्वरचित कविता को प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है नया सवेरा। कविता कुछ इस प्रकार है। धर धरा के प्रति मन में कर्तव्य निष्ठा, सुन सारा ये देश तेरा है। रोक रूह को आडंबरों के जंगल में जाने से, बंदे बसंत का तू ही सवेरा है। चल चलाए धाराओं में नाव ए नाविक, शुभ सुभाष का तू ही सवेरा है। उठ उठा चल हल्ले करे किसान,
अन्न अन्नपूर्णा का तू ही उजेरा है। रोकर रुकना नहीं है पतिक, मन मंजिल का नहीं ये बसेरा है। असफलता अपमान नहीं अनजान, जन जस बातों को संभाल, कल की भोर का तू ही सवेरा है। भू भारत पर जन्मे जवान हो तुम, नव नव जागरण का नव निर्माण हो तुम, नवीन नाद का प्रवीण गीत हो तुम, परिधि नहीं परवाह हो तुम। उषा उम्मीद लगाए बैठी है तुमसे, भोर भूमि पर गिरने वाली पहली किरण हो तुम, तुमसे ही एक नया सवेरा है, तुमसे ही एक नया सवेरा है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, मैं नीलू कुमारी ठाकुर आप सभी के समक्ष अपनी स्वरचित कविता लेकर प्रस्तुत हूँ, जिसका शीर्षक है यादें। यह श्रृंगार रस प्रधान कविता है, जिसकी पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार है। रातों में करवट बदलते हुए तुम्हारी याद आ गई, और साथ आई थी वो सारी बातें, वो यादें, वो रास्ते, उस बागीचे की खुशबू, नदी की धारा, डूबते हुए सूरज की लाली, ठंडी प्यार की चुभन, उस पर तुम्हारा स्पर्श और मेरे बदन का यूं सिहरना, तुम्हारे कंधों का सहारा, उस पर वो हसीन नज़ारा। परंतु यह सब महज एक शब्द में सिमट गया है। यादें, वह खुशनुमा लम्हा आज इस अंधेरे में भी मेरी अंतरात्मा को उस ज्योति की भांति रोशन कर रहा है, जिसमें मैं स्पष्ट देख सकती हूँ तुम्हारी छवि। परंतु जीवन का एक कटु सत्य है विरह, इसमें भी एक आनंद है जिसमें सच्चे प्यार की पहचान होती है। यह एहसास मेरे साथ उम्र भर रहेगा, और रहेंगी वो सारी बातें, वो यादें, वो रास्ते, उस बागीचे की खुशबू, नदी की धारा, डूबते हुए सूरज की लाली, ठंडी प्यार की चुभन, और तुम्हारा प्यार भरा स्पर्श। धन्यवाद। प्रणाम, मैं निशा कुमारी शाह आप सबके समक्ष अपनी स्वरचित कविता प्रस्तुत करना चाहूँगी, जिसका शीर्षक है मेरे माँ बाप और मेरा समाज। शुक्र है उनका जिन्होंने मुझे आपके घर जन्म दिया। शुक्र है उनका जिन्होंने मुझे आपके घर जन्म दिया। कम से कम हमें खुली सांस लेने का मौका तो मिला। जो लोग कहते हैं अरे यह तो बेटी है, नाक कटवा देगी, इसे कोख में ही मार डालो। शुक्र है आपका जिन्होंने मुझे बोझ नहीं अपनी ताकत समझकर इस दुनिया में जन्म दिया। जब तुम्हें लोग कहते हैं कि यह तो बड़ी हो गई है, इसकी शादी करवा दो वरना ये भाग जाएगी, इतना ही नहीं बल्कि तब उन्होंने अपने दिल की सुनी और अपनी दो बेटियां पढ़ाई। आप सोच रहे होंगे मैंने यहाँ दो बेटी का जिक्र क्यों किया है, क्योंकि मैं दो बहन हूँ, एक मैं और मेरी एक छोटी सिस्टर, इसलिए मैंने यहाँ दो बेटियों का जिक्र किया है कि वो अपनी कमाई बचा के हम दोनों को पढ़ा रहे हैं और समाज और अपनी बेटियां पढ़ाई। इतना ही नहीं लोग कहते हैं कि बेटी तुम्हारी रात तक बाहर रहती है, इतनी रात को घर आती है, छोटे कपड़े पहनती है, थोड़ा तमीज सिखा दिया करो। तब आपने मुझे सपोर्ट किया और मुझे दुनिया से रूबरू कराया, कहा कि उनका तो काम है भौंकना, उन्हें भौंकने दो, तुम अपने सपनों से, अपने मकसद से कभी पीछे मत हटना। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि अपनी बेटी को जन्म दे, उसे पढ़ाए लिखाए और उस पर भरोसा करे। और उन बेटियों से भी मेरा निवेदन है कि अपने माँ बाप के भरोसा ना तोड़े, उन्हें इस कायम रखे कि वो कभी शर्मिंदगी ना महसूस करे कि मैंने बेटी को क्यों जन्म दिया है। धन्यवाद।